ला जिसमें ला वी आर डूइंग एडवांस रिस्क मैनेजमेंट इसमें हम बात करेंगे बाइस इज़ अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमारी डिसीजन को क्या चीज़ अफेक्ट करती ये बेसिकली जो एरिया है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर एरिया दैट्स कॉल्ड बिहेवियर फाइनेंस कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर इन आर डिसीजन हमारी इन्वेस्टमेंट्स में हमारे एक्शनस में हाउ दैट इज ये बड़ा वाइडर एरिया है हमारे और भी इसमें मॉड्यूल में इस पर डिस्कशन हुई है बट आर टुडेम व्हाट आर द बाइसिस और इन्फ्लुएंसेस दैट वी कैन हैव एंड दैट वी नीड टू बी अवेयर वी नीड टू केयरफुल वाइल डूइंग दैम रैशनल थिंकिंग कैन लीड टू इैशनल डिसीजन इन मिस प्रसीव मिस अंडरस्टुड कॉन्टेक्स कि आप चाह तो ये रहें कि रैशनली आप ठीक जो सोचना चाहिए बट उसकी वजह से किसी तरह बायस डिसीजन हो सकती है इफ़ यू मिस परसीव आपने जो इंफॉर्मेशन मिली उसको परसीव डिफरेंट तरीके से कर लिया या प्रॉपरली अंडरस्टैंड ही नहीं किया तो वो आप बेशक प्रोसेस आपका रैशनल ही था ठीक ही था लेकिन डिसीजन इ हो गई प्रॉपर ना हुई तो दैट्स अ अलार्मिंग साइन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन एडिशन बाइसिस कैन कॉज पीपल टू एम्फोसाइज एम्फोसाइज के आप ओवर वेट दे दें एक्सेस उस पर फोकस कर लें और एट द सेम टाइम डिस्काउंट इन्फॉर्मेशन ये जिस इन्फॉर्मेशन आपको मिली आपको जो उसको ड्यू वेट देना चाहिए था आपने उससे कम दिया कम देना भी बैड है और ज़्यादा देना भी बैड है बिकॉज वो आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है और कैन लीड टू टू स्ट्रॉन्ग एन अटैचमेंट टू एन आइडिया और इन एबिलिटी टू रेकग्नाइज़ एन अपॉर्चुनिटी इससे क्या होगा कि आप किसी चीज़ से बहुत स्ट्रांगली अटैच भी हो गए एक इन्फॉर्मेशन से और आप उसको अगली डिसीजन पे छोड़ नहीं रहे या कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वे में द कॉन्टेक्स्ट इन विच यू सी अ डिसीजन द मेंटल फ्रेम यू गिव इट दैट इज़ द काइंड ऑफ डिसीजन यू डिटरमिन टू बी कैन आल्सो एनेबिट योर अदरवाइज ऑब्जेक्टिव व्यू आप चाह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव व्यू रखें कोई उसमें इम्पेक्ट ना आए लेकिन आप जिस माइंड फ्रेम में उसको सोच रहे हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको देख रहे हैं उससे हो सकता है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी ना रहे जो कि आप उसमें चाह रहे हैं तो ये हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिट ये जो बिहेवियर फाइनेंस है नहीं बहुत साइकोलॉजी से रिलेटेड उसकी क्लोज चीज़ें हैं तो ये क्योंकि माइंड गेम है मेंटल थाट्स को ले हमने इसमें कैप्चर करना होता है तो बाइसिस से होता क्या है इन्वेस्टर टेन टू गिव मोर वेट टू मोर अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड डिस्काउंट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ ब्रॉड टू दे अटेंशन लेस फ्रिक्वेंट कि हमें क्वार्टरली इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको तो हम ज़्यादा वेट दे रहे हैं जो साल बाद एक इन्फॉर्मेशन आती है उसको इतना वेट नहीं दे रहे तो ये है कि जिसका ड्यू वेट है उसको उतना देना चाहिए बेशक वो आपको रेगुलरली नहीं मिल रही साल बाद भी मिली है लेकिन इंपॉर्टेंस उसकी अगर ज़्यादा है तो दैट शुड भी एम्फोसाइज लेकिन ऐसा नहीं होता हम दे रहे जो फ्रीकवेंटली आ रही है उसको दो दे दो टाइम जो लेस फ्रीकुंट है उसको वॉच इतना नहीं किया जाता सो दैट कैन लीड टू बाइस वन काइंड ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर दैट लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड डिसीजन इज बाइस अकर इन्वेस्टर लाइव इन्फॉर्मेशन टू मेक इंफॉर्म डिसीजन बट ऑल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल एक और बड़ा मसला ये है कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन पर हम डिसीजन करें तो वो भी हमें इम्पैक्ट कर रही होती है तो वी नीड टू ट्राई टू ग्रैप द कंप्लीट पिक्चर और कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द डिसन द स्टॉक ऑफ कारपोरेशन दैट गेट गुड प्रेस फॉर एग्जाम्पल क्लेम टू डू बेटरिसाइज अब दो कंपनियां हैं एक टी वी में अखबार में नाम और एड वगैरह ज्यादा आते हैं उनके स्टॉक्स ज्यादा अच्छे चल रहे हैं इन कंट्रास्ट दूसरी कंपनी के नहीं चल रहे तो इट्स ऑल्सो बाइस तो बेसिकली बाइस क्यों है क्योंकि अब दोनों की वैल्यूएशन हमें देखनी चाहिए रादर उनका नाम और एक स्प्रेड वर्ड जो है वो इतना बेटर नहीं करना चाहिए तो वो उनको हाई प्रोफाइल करने का करके बेशक उनका नाम अच्छा है और हालात इतने अच्छे नहीं हैं हम फिर भी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो दिस इज अ थिंग रिप्रेजेंटेटिवनेस ये बाइसिस डिफरेंट तरह की हैं तो वील डिस्कस फ्यू बाइसिस एंड एड मोर बाइसिस इन कमिंग टाइम रिप्रेजेंटेटिवनेस इज डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन स्टीरियो टाइप करेक्टरसाइड एज रिप्रेजेंटेटिव स्टीरियो टाइप मतलब सेमिलर पाथ इन्वेस्टिंग रिप्रेजेंट इज टेंडेंसी टू बी मोर ऑप्टमिस्टिक अबाउट इन्वेस्टमेंट दैट हैज़ परफॉर्मड वेल लेटली एंड मोर पेटमिस्टिकमेंट दैट हैज़ परफॉर्म पोअरली फॉर एक्जाम्पल आपने एक कंपनी का शेयर लिया और आपने लिया और दो महीने में उसकी प्राइस बढ़ गई और आपने बेच दी और आपको अच्छा गेन हो गया इन और इसी तरह आपने कहा ये तो कंपनी बहुत अच्छी है तो फिर आपने कुछ अर बाद उसमें दोबारा इन्वेस्ट किया तो ये पिछली दफ़ा अच्छा रिटर्न आया दैट डजेंट मीन कि इसने आइंदा भी आना है करंट सिचुएशन माइट हैव चेंज गेंस माइट है डिफरेंट बट आप वो पिछले माइंड फ्रेम में ही रहते हैं तो रिप्रेजेंटेटिवनेस इज़ द माइंड फ्रेम उसी में आप रहते हैं। इसी तरह किसी का बुरा हो गया तो वो बुरा भी तो ये हम रिप्रेजेंटेशंस की फर्दर हम बात करेंगे कि व्हाट आर द बाइस दैट वी कैन ऐड ऑन थैंक यू